अभी जो नवंबर 17 के लिए अमेंडमेंट्स होने वाले हैं उसमें चेंजेस आ गया है। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ ब्रॉडली कि क्या क्या अमेंडमेंट्स होते हैं। जो एक पहले से था वो तो है ही, जैसे अमालगमेशन चैप्टर हैज़ चेंज्ड, अब ये न्यू चैप्टर अप्लाई होगा। ठीक है, कई जन को एक डाउट हो रहा था कि कमिंग जो टर्म होगा इसमें क्या अमेंडमेंट्स हैं। मैं अपने सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ, लॉ ऑडिट, क्या अमेंडमेंट्स है नहीं है, तो वो मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूँ ये नवंबर एग्जाम और दिसंबर 17 दोनों के लिए, मतलब CA, CS, CW सबका मिला के बोल रहा है। अमालगमेशन चैप्टर नया नोटिफाई हो गया है, तो इसके अंदर दो चीज़ होता है, एक तो होता है सेक्शंस और दूसरा होता है रूल्स जो पढ़ना है, तो ये नया चीज़ है। अमेलगमेशन से जुड़ा हुआ एक चैप्टर होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इसके अंदर भी सेम ज्ञान है ना। ऑपरेशन वाला ये चैप्टर ये May 17 के लिए भी एप्लीकेबल था, पर अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया है। ओके, May 17 के लिए भी एप्लीकेबल था, पर जब ये May 17 के लिए एप्लीकेबल था तब इसमें बहुत लिमिटेड मटेरियल हुआ करता था, अब इन्होंने उसमें और ज़्यादा डाल दिया है, तो मटेरियल और बढ़ गया ऑपरेशन का। ओके, तो दैट्स एन अमेंडमेंट। फिर वाइंडिंग अप बोल के एक चैप्टर है, इसमें मतलब आधा अमेंडमेंट आधा नॉट अमेंडमेंट टाइप का हिसाब है। क्या है कि इसके सारे सेक्शंस अभी भी नोटिफाई नहीं हुए हैं, बट लॉट ऑफ इट हैज़ बीन नोटिफाइड, तो लॉट ऑफ न्यू सेक्शंस प्लस रूल्स है, पर इसमें और भी अमेंडमेंट आना बाकी है जो मोस्ट प्रॉबली अब बाद में आएगा। बाद में मतलब नॉट फॉर योर टर्म, बिकॉज आज 28 तारीख, 29, आज 29 मई है, मैं अभी 29 मई को खड़ा होकर बता रहा हूँ, 29 मई 2017, तो अब तो कुछ भी और आता है तो वो तो तुम्हारे नवंबर दिसंबर 17 के लिए एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो वाइंडिंग अप में और भी सेक्शंस बहुत सारे हैं जो नोटिफाई होना बाकी है, जो उसके बाद वाले टर्म्स में एप्लीकेबल हो सकता है May 18 या नवंबर 18 में। ओके, अब इससे जुड़ा हुआ एक चैप्टर होता है, इन तीनों से कनेक्टेड, तीनों से रेंज में इसी में आता है, नाम है प्रोड्यूसर कंपनी, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, प्रोड्यूसर कंपनी ओल्ड वाला जो है वही सेम चलता रहेगा, नो चेंज, तो वो इसलिए लिख भी नहीं रहा। चौथा, लॉ के अंदर जो सबसे भयानक अमेंडमेंट आया, अचानक से ICAI ने नोटिफिकेशन लाया है इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये महा अमेंडमेंट है, बिकॉज इसका मार्क्स अलग से बोल दिया 10 मार्क्स। तुम मेरे से पूछोगे इससे कितना आएगा, मैं नहीं जानता कितना आएगा, आई डोंट नो, कभी लिखा हुआ नहीं था, इन्होंने इसके लिए मार्क्स लिख दिया। मतलब सीन कुछ ऐसा था कि पहले हम लोग बोलते थे कंपनी लॉ 70, अलाइड लॉ 30। ठीक है, इन्होंने अचानक से बोल दिया, जस्ट 6 मंथ्स भी नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं 6 मंथ्स है, सॉरी, जून जुलाई अगस्त, नहीं, है नहीं नहीं है। ठीक है, मैं अभी तो आया ना 3-4 दिन पहले, तो हाँ जून जुलाई अगस्त सेप टॉक, तो 5 साढ़े 5 महीना टाइप है। ये अचानक से मतलब बोल दिया कि कंपनी लॉ हो जाएगा 60, ये वाला कोड जो होगा इनसॉल्वेंसी एंड IB कोड 10, और अलाइड लॉ होगा 30, ऐसा इन्होंने बोल दिया। ठीक है, लेकिन ना मुझे हमेशा से इन पर डाउट रहता है, हमेशा से, मतलब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ 10 मार्क का बोल दिया, और हो सकता है ये भी कि तुम पेपर देने बैठा उसमें खाली 5 मार्क का आया, और तुम उसमें 10 का तो इसी के भरोसे आए थे, नहीं है, मतलब इनका कोई भरोसा नहीं है, बोल दिया इतना इंपॉर्टेंस देके तो बस वही काफ़ी है, मतलब समझ लेना चाहिए कि हाँ हम लोग तो अपनी तरफ से पढ़ के जाएंगे, बाद बाकी बोलना बहुत मुश्किल है। और एक बात मैं बोलूँगा, पेपर 100 का सेट नहीं होता, पेपर 120 का सेट होता है, पेपर 120 का सेट होता है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा 20 मार्क के छिड़केगा ना सब जगह, जैसे टिपिकली यहाँ 120 मार्क का जो बंटवारा होता है यहाँ पर, वो 120 मार्क का बंटवारा कैसे होता है मैं तुमको बता देता हूँ। ठीक है, इधर इधर ये आता है लगभग 80 का, और ये आता है लगभग 40 का, मतलब इस तरह का। ठीक है, दिस इज लाइक 40, 41, 39,
एंड दिस इज लाइक 79, 80, 81 ऐसे, तो ये 80-40 में बांट देता है, मतलब 10 मार्क जो 20 मार्क एक्स्ट्रा है ना, 10 मार्क ऊपर 10 मार्क नीचे ऐसे बांट देता है। अब इधर ये 20 मार्क कैसे बांटेंगे मुझे नहीं पता, हो सकता है इसका डॉट 10 का 10 ही रहे या 10 का 12 14 कर दे, वो नहीं पता मेरे को। ये ऊपर वाले में तो बढ़ाएगा, मेक इट 70, इसको भी 10 मार्क का, इसको हो सकता है 35 करे, नहीं तो 40 ही रख दे वैसे करके। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब 10 मार्क का बोल रहे हो तुम लोग, तो क्या 10 मार्क का तुम लोग अलग से क्वेश्चन डालोगे क्या? कारण कि पेपर में तो 20 मार्क का एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है और 16 मार्क का 5 और करना पड़ता है, तो 20 प्लस 16 25 80 100 मार्क का पेपर बन जाता है। ठीक है, तो 16 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो तुम लोग 10 मार्क का जो क्वेश्चन डालोगे क्या, क्या ये एक ही 16 मार्क के अंदर रहेगा कि इस 10 मार्क को तुम लोग 4-4-2 करके या 4-4-4 करके 3 में बांट देगा, वो भी हम लोग नहीं जानते। मतलब जैसे समझ लो मैं बात को, आई हैव टू लीव वन क्वेश्चन इन एग्जाम ना, 16 मार्क का तुम 6 डालोगे, मेरे को 5 करना रहेगा और एक क्वेश्चन नंबर 1 20 का करना पड़ेगा। तो इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी तुम एक साथ डालोगे कि तोड़ के? बिकॉज क्या है कि कंपनी लॉ और अलाइड लॉ ऐसे अलग अलग नहीं आता है। ओके, ऐसा नहीं होता अपना पेपर में कि पार्ट ए कंपनी लॉ पूरा, फिर पार्ट बी अलाइड लॉ की छोड़ दो कुछ। अगर वैसा होता तो आदमी छोड़ भी सकता है, यार ये छोड़ देते हैं कर लेंगे, जैसे अपने स्कूल में नहीं करते थे क्या? स्कूल में अपने को एक पता रहता था कि ये ऐसे ऐसे आएगा तो ये छोड़ के जाएंगे, तो ये लोग तो मिक्स करके देता है। तो यहां तुम लोग कैसा खिचड़ी बनाएगा वो भी बोलना बहुत मुश्किल है। तो प्राइमा फेशे ये 4 बिग अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन अब इसके अलावा मैं तुमको और बता देता हूं। छोटा छोटा कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, स्मॉल न्यूमरस अमेंडमेंट्स इन बोथ कंपनी लॉ एंड अलाइड लॉ, छोटे छोटे बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं। ओके, जैसे ये जो अमेंडमेंट्स आया है ये तो फुल फ्लेजेड चैप्टर है, पर इसके अलावा विद इन चैप्टर छोटा छोटा अमेंडमेंट्स आता है, तो वो भरा पड़ा है। ठीक है, कुछ मैंने वो फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ाते वक्त कराया था, कुछ अभी मैं इसमें पढ़ाऊंगा। जैसे ये वॉल्यूम 2 वाली बुक ही है, तुमको इसमें दिखाया ना मैंने IFSC, मैंने बोला होगा शायद लिखा हुआ भी, कंटेंट में जाके देखना, एग्जेम्पशन टू IFSC कंपनीज, एक बार मैं शो करना चाहता हूँ। वॉल्यूम 2 के अंदर कम टू पेज 302, पेज नंबर 302, देखो क्या लिखा है भाई, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड IFSC प्राइवेट कंपनीज, मिला क्या? ठीक है, कितने पेज का है? चार पेज का है, 39 एग्जेम्पशंस है, दिख रहे है? चार पेज का है, 39 एग्जेम्पशंस। और फिर पेज नंबर 306 पे आओ, 306 पे आओ, उसमें एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड IFSC अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसमें 59 एग्जेम्पशंस है। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें तो बहुत मेहनत लगने वाला चीज है, IFSC का इतना सारा एग्जेम्पशन समझाना भयानक, मेरे को टेंशन हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो सारे सेक्शन याद रहते हैं, तो मुझे कोई बोलेगा एग्जेम्पशन उस फलाने सेक्शन में तो मैं तुरंत इमेजिन कर लूंगा, पर एज अ स्टूडेंट हम लोग को सारा थोड़ा ना एक बार में दिमाग में याद रहता है, फिर बैठ के वो बताओ फिर ये बताओ ये सब। तो ऐसे करते करते बहुत सारा छोटा एग्जेम्पशन आएगा। अलाइड लॉ में तो हर साल का कहानी है, हर साल कुछ ना कुछ होता रहेगा। फेमा वाला है, ठीक है, सेबी है, फेमा और सेबी प्राइमरली तो ये दो, हर साल कुछ ना कुछ तो होना है, क्योंकि फेमा और सेबी एक्चुअली एक चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब एक बुक है अपने आप में फुल। फेमा कैन बी 200 मार्क का पेपर, सेबी कैन बी 300 मार्क का पेपर, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो कोई लिमिट ही नहीं है इसका कितना है, तो इसमें कुछ तो लगा ही रहेगा हर टर्म में, तो उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा, उसके लिए तो मुझे वेट करना पड़ेगा। मैं अपने मन से जब भी अमेंडमेंट्स पढ़ाता हूँ तो धोखा हो जाता है मेरे साथ, मैं पढ़ा दिया फिर बोलता है कि नहीं एप्लीकेबल नहीं है, तो वो मैं नहीं करने वाला। ये वाले तो मुझे पता चलेंगे अराउंड जुलाई के मिडल में, कहीं क्या होगा ना कि इंस्टीट्यूट वो निकालता है एप्लीकेबिलिटी का एक निकालता है, नॉट RTP, RTP तो बाद में आएगा, एक जुलाई में एप्लीकेबिलिटी बोल के अलग से वो लोग निकालते हैं, उसमें वो लोग बता देते हैं। अगर हम लोग लकी हुए तो जुलाई के पहले या दूसरे वीक में आएगा, अगर हम लोग अनलकी हुए तो तीसरे या चौथे वीक में आएगा आफ्टर रिजल्ट्स, और उसमें वो लोग एप्लीकेबिलिटी में बताएगा कि कमिंग टर्म के लिए ये छोटा नोटिफिकेशन जो पढ़ना है, तो वो वहाँ पे पता चलेगा। तो ये स्मॉल अमेंडमेंट्स इसमें ये रहेगा, ये है अपना लॉ का अमेंडमेंट। ऑडिट में स्टैंडर्ड्स में कुछ स्टैंडर्ड्स में अमेंडमेंट है, ठीक है,
ऑडिट का जो अमेंडमेंट होता है वो थोड़ा बिखेर के होता है. देर आर फ्यू न्यू स्टैंडर्ड्स. नया ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने नहीं डाला. नया ऑडिट रिपोर्ट का जो एक पूरा फॉर्मेट आने वाला था ना, 700, 701, 705, 706, वो कैंसिल हो गया. वो बोला कि अब 1/4/18 से लागू होगा हिंदुस्तान में. अब 1/4/18 से अगर वो लागू होगा हिंदुस्तान में तो या तो मई 18 में डालेगा या नवंबर 18 में डालेगा. अभी तो नवंबर 17 में तो 100% नहीं है वो. ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट विल कंटिन्यू टू बी द ओल्ड वन. ओके, और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उनमें चेंजेस आएगा, और बीच में थोड़ा बहुत रैंडम चेंजेस आएगा, नॉट लाइक बिग मैसिव चेंज. तो ये है अमेंडमेंट्स. ठीक है.